नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्तिक टीवी और मैं हूं सुभाष शर्मा। वार्तिक टीवी के इस खास कार्यक्रम सियासी चाल भूचाल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, वार्तिक टीवी का ये वीकली फीचर है, साप्ताहिक कार्यक्रम है, जिसमें हम राजनीति को यानी अर्थशास्त्र को डिस्कस करते हैं, एनालाइज करते हैं उन सभी घटनाओं को जो कि हमारे आसपास में इन दिनों में हुई हैं, और जो खास बड़ा बड़ा जो हमारे घटनाचक्र हो चुका है इस सप्ताह में, उसके ऊपर हम बातचीत किया करते हैं और राजनीति के उन गूढ़ रहस्यों को समझने का प्रयास करते हैं जिसमें कि हमारी ये दुनिया चल रही है, हमारा देश चल रहा है। और इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हमारे साथ होते हैं राजनीति में लगभग 6 दशक का लंबा अनुभव रखने वाले पूर्व मंत्री, राजनीति के चाणक्य चंद्रराज जी सिंह भी। हम चंद्रराज जी से ये जानते हैं, हमेशा प्रयास करते हैं हमारे व्यूअर्स के लिए कि क्या कुछ चल रहा है राजनीति में और किस तरह की राजनीति हमें चाहिए, किस तरह की राजनीति होनी चाहिए और किस तरह की राजनीति है, क्या ग्राउंड रियलिटी है, किस तरह के बयान हैं, किस तरह के लोक लुभावन वादे हैं और उनकी असलियतें क्या हैं, उनके पीछे की सच्चाई क्या है, यही सब जानने के लिए हमने प्रोग्राम शुरू कर रखा है। और यह प्रोग्राम टोटली डेडिकेटेड है राजनीति को, जिसमें हम पॉलिटिकल साइंस को समझते हैं, पॉलिटिक्स के उस विज्ञान को समझते हैं जो कि हमें हमेशा सतत रूप से घिरे हुए है, चाहे हम चाहें या न चाहें, लेकिन राजनीति ने हमें चारों तरफ से घेर रखा है और हमारे लिए जो फैसले लिए जाते हैं वो सारे के सारे राजनीति से प्रेरित होते हैं। इसलिए हम आपसे बार बार आग्रह करते हैं कि चाहे आप रुचि लें या न लें, लेकिन राजनीति आप में हमेशा रुचि लेती है। इसलिए आप भी राजनीति को समझें, कोई चीज यदि आपको प्रभावित करती है तो उसे समझना आवश्यक है, ये आपसे हमारा आग्रह है। तो बढ़ते हैं और करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत और स्वागत करते हैं हमारे इस कार्यक्रम के सूत्रधार पूर्व मंत्री चंद्रराज जी सिंह भी का। सिंह भी साहब, स्वागत है, नमस्कार। नमस्कार सुभाष जी, नमस्कार जी। तो अब हम आगे बढ़े प्रोग्राम में, इससे पहले हम हमारे व्यूअर्स को एक अपडेट दे देना चाहते हैं। इस वक्त देश की जो सोशियो पॉलिटिकल सीन है, जो समाज का जो एक राजनीतिक परिदृश्य बना हुआ है, और उसमें एक बहुत बड़ा विवाद सामने आ रखा है, और ये विवाद कर्नाटक से शुरू हुआ और ये हिजाब का जो विवाद है, हिजाब कॉन्ट्रोवर्सी, इसमें एक अपडेट है, वो अपडेट हम हमारे दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट की लार्जर बेंच ने आज हिजाब या बुर्का शैक्षणिक संस्थानों में यानी स्कूल कॉलेजों में पहनने पर सोमवार तक के लिए रोक लगा दी है, और यह लार्जर बेंच अब यह डिसाइड करेगी कि इस पूरे के पूरे मामले में क्या होना चाहिए, क्या यह मौलिक अधिकार की जद में आता है हिजाब पहनना या कि नहीं आता है। इसके ऊपर अभी कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोमवार तक रोक लगाई है, सोमवार से फिर इस मामले की लार्जर बेंच सुनवाई करेगी। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि पहले कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला आने दीजिए, उसके बाद ही इसमें कोई कार्रवाई हो सकेगी। तो ये इस तरह का अपडेट है। अब हम आगे बढ़ते हैं और चंद्रराज जी सिंघवी साहब से, चूंकि सिंघवी साहब आप कार्यक्रम के सूत्रधार हैं, मैं कुछ चीजें आपके समक्ष रख देता हूं, फिर कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे देश की राजधानी नई दिल्ली से, और उसमें भी खासकर संसद से, जहां से हमारी नीतियां बनती हैं, जहां से हमारे लिए कानून बनते हैं। वहां संसद के दोनों ही सदनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस का जो मौजूदा स्ट्रक्चर है उसके ऊपर बहुत ज्यादा तंज कसे हैं, और प्रधानमंत्री मोदी ने यहां तक कहा कि कांग्रेस का जो मौजूदा प्रबंधन है, मौजूदा जो कांग्रेस है, वो विभाजनकारी ताकतों वाली पार्टी है और टुकड़े टुकड़े गैंग की लीडर है। तो क्या मानते हैं सिंघवी साहब, क्यों कर ऐसा कहा होगा नरेंद्र मोदी जी ने, क्या स्थिति है कांग्रेस की? भारतीय नरेंद्र मोदी जी को टुकड़े टुकड़े गैंग के बारे में बोलना ही नहीं चाहिए। जब कांग्रेस है ही टुकड़े टुकड़े गैंग, तो बोलने की क्या जरूरत है? कांग्रेस पूरी एक होती और मोदी जी बोलते तो समझ में आता था, बस जब उन्होंने कह दिया तो टुकड़ा टुकड़ा गैंग है। मैं इसमें एक बार और जोड़ता हूं, ये टुकड़े टुकड़े गैंग भी है, उगड़ी उगड़ी गैंग भी है, और एक तीसरा सेंटेंस आपकी तरफ से जोड़ देता हूँ, ये बिखरी बिखरी गैंग भी है। जब टुकड़ी टूटी टुकड़ी उखड़ी और बिखरी गैंग है, तो देश के प्रधानमंत्री को उसके साथ देखना भी नहीं चाहिए। ये उनके सम्मान के विरोध था, उन्हें ऐसा बोलने की जरूरत नहीं थी। ये बोलने थे उनके निजी स्टाफ का कोई आदमी बोल सकता था। अब आप बताइए,
जब यदि मोदी जी मानते हैं कि टुकड़ा टुकड़ा गैंग है तो इसका रिजल्ट भी टुकड़ा टुकड़ा में आएगा। मोदी जी ने बहुत पहले कहा था कि मैं देश को कांग्रेस मुक्त कर दूंगा, करीब करीब तो कर ही दिया है। अब देखते बयान रखनी चाहिए मोदी जी आपको, सर्वनाश करके किसी पार्टी को देश की सीमा से बाहर भेजना ये भी उचित नहीं है। कांग्रेस जिंदा रहे तो रहे, अब छोटी मोटी कांग्रेस है, नेहरू और जवाहरलाल नेहरू पटेल और उनकी कांग्रेस तो रही नहीं है, अब तो ये बच्चों की कांग्रेस है। अब तो ये सोनिया गांधी के इर्द गिर्द घूमने वाले चापलूसों की गैंग है, वहां भी व्यक्तित्व का कोई उभार नहीं है। अगर कांग्रेस में व्यक्तित्व का मूल्य ही नहीं है तो भी अटल जी को इस मूल्यहीन व्यक्तित्वहीन अस्तित्वहीन और न्याय संगत न होने वाली बची हुई पक्षपाती चापलूस और झूठी कांग्रेस के बारे में इतना बड़ा कमेंट करने की जरूरत नहीं थी। मैं नहीं समझता कि मोदी जी को इस प्रकार का कमेंट करना चाहिए था। अगर यही कमेंट करना था तो राजस्थान का सचिव पूनिया ही का भी था, यही करना था तो और कुछ छोटा मोटा कर सकता था। देश का प्रधानमंत्री जो पांचों स्टेट के पांचों चुनाव जीतने वाला है, करीब करीब सारे देश में उसका राज है, पार्लियामेंट में पूर्ण बहुमत है, जिस पर कोई आरोप नहीं है, जो बुद्धिमत्ता का प्रतीक है, जो भारतीयता का एक धरोहर है, उस आदमी को टुकड़े टुकड़े गैंग के बारे में बोलते देखकर मेरे को भी लगता है कि कहीं कहीं कोई कोई बात है जो उन्हें छुपी है। अब रहा सवाल कांग्रेस का, तो देखो एक बात मैं आपको स्पष्ट कह देता हूं, कांग्रेस का पतन तो हो चुका, पांचों स्टेट में कांग्रेस कहीं जीतने वाली नहीं है। कांग्रेस का तो बहुत ही बड़ा विभाजन है इस कांग्रेस में, एक जगह चांस था पंजाब का, अब वहां पर सिद्धू अभी भी नहीं मांग रहा है, उन्होंने चंद्रित का चेहरा घोषित कर दिया पर वो चेहरा सिद्धू के गले नहीं उतर रहा है। सिद्धू की पत्नी कहती है कि सिद्धू सबसे योग्य आदमी है, शायद वो सच भी बोलती है, सिद्धू है भी योग्य, क्योंकि सिद्धू में तीन गुण है, वो कलाकार भी है, नाटककार भी है और खिलाड़ी भी रहा है। लेकिन अब आप बताइए, जिस कांग्रेस की ऐसी दुर्गति हो, जिस कांग्रेस का किसी भी स्टेट में आने का चांस नहीं हो, जिस कांग्रेस की जगह जमानत जब्त होना करीब करीब तय हो, उसके बारे में देश के सबसे महानतम नेता नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने इसको ध्यान में लिया, इसको कंसिडर किया और उसको अपने ख्याल से अपने मुख से उसका नाम भी लिया। मोदी जी को ये नहीं बोलना चाहिए था, ये मेरी स्पष्ट धारणा है। अब टूटी बिखरी कांग्रेस, टुकड़े टुकड़े कांग्रेस, आप ही बताइए, जंगल में जाने वाला आदमी शेर की तो बात करता है, गिद्ध की बात थोड़ी करता है, करता है क्या कभी, हिरण की बात करता है क्या, खरगोश की बात करता है क्या? मोदी जी आपने कैसा तीर मार दिया, आपने तो तोप से लेकर के और एक मसाल जी को गोली मारने के लिए तोप का प्रयोग कर दिया, ये आपको उचित नहीं था, आपको नहीं करना चाहिए था। आपको मैं मानता हूं सर्वाधिक श्रेष्ठ देश का नेता, पूर्ण रूप से समर्पित हूं, मेरे हर स्पीच के अंदर मोदी 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 होता है, पर आज तो मोदी जी आपकी बात सुन के मुझे लगता है कि आपने भी कहीं कहीं जांचने और नापने में कमजोरी कर दी। जो चीज सामने दिखती थी, जो आम जनता जानती है, देश का हर मतदाता जानता है, देश का हर व्यक्ति जानता है, देश का पॉलिटिकल वर्कर जानता है, उस बात को आपने क्या करके मरी हुई कांग्रेस को एक बार उठाव दे दिया है, इसमें आपका लाभ नहीं आपका नुकसान हुआ है। बट पॉइंट एंड मेरे ख्याल से जो आप इशारा कर रहे हैं वो बात लोगों को भी समझ में आ रही है कि ये जो कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का जो कॉन्सेप्ट है, एक सकारात्मक विपक्ष होना चाहिए देश में, इसका मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी को भी रंज है, कहीं ना कहीं कोई ऐसी पीड़ा है कि कहीं विपक्ष जो है भारत में विपक्ष की जो परंपरा रही है वो बहुत ही सुंदर परंपरा रही है, जहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जमाने में आप देखिए जरा अटल बिहारी वाजपेयी किस तरह से सामने आके, पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामने आके बात करते हैं, आरएसएस चाइना वॉर में किस तरह से सामने आके खुलकर सरकार के साथ था, और उसके बाद बांग्लादेश वाला जो मसला हुआ मुक्ति वाहिनी के टाइम में अटल जी ने जो भाषण दिया वो रिकॉर्ड है अपने आप में, वो एक रिकॉर्ड, हाँ वो रिकॉर्ड है अपने आप में, ऐसे भाषण और इस तरह की गतिविधियां, हमारा यूएन में प्रतिनिधिमंडल जाता है, भारत का विपक्ष का जो लीडर है वो उसकी अगुवाई करता है, इस तरह की परंपरा हमारे यहां विपक्ष की रही है, इसमें मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं कोई रंज, कोई दुख मन में अंदर है, क्षोभ है, आज की जो सत्ताधारी जो दल है उसके मन में भी ये बात है कि भारत का जो विपक्ष है वो किस तरह से पेश आ रहा है, किस तरह से नकारात्मकता में आ रहा है, तो ये बात आपने भी वहीं जाके इशारा किया है, और कहीं ना कहीं कोई बात रही होगी मन में,
अन्यथा इस तरह की बात कहने वाले मोदी भी नहीं है। मोदी भी बहुत मैच्योर्ड पॉलिटिशियन है, ही इज वेरी बिग लीडर। तो ये बात देश में इस सप्ताह में रही है, चर्चा में रही है। आप विपक्ष की बात करते हो तो मैं एक बात आप कहना भूल गए, जब इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश का निर्माण कर ही लिया, पाकिस्तान की सेना को मुक्त कर दिया गिरफ्तार करने के बाद, तो पूरे विपक्ष ने कहा था दुर्गा का अवतार है। बिल्कुल, अब अगर मान लो कहना भी चाहे तो कैसे कहे, किसको कहे, सुनने लायक भी तो होना चाहिए। जिसकी आंखें 6x6 की जगह 6x0 हो जाए, कान सुन्न हो जाए, उस विपक्ष को क्या कहे। मैं चाहता हूं विपक्ष को ट्रेनिंग लेनी चाहिए, पुराना इतिहास पढ़ना चाहिए, विपक्ष की क्षमता समझनी चाहिए, विपक्ष का मूल्यांकन करना चाहिए, विपक्ष को दयनीय, दयापात्र और एक तरह से हे नहीं बनाना चाहिए। इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी ने इनडायरेक्टली ये कहा है, अरे भाई कांग्रेसियों अब तो कुछ सुनो, अब आप टुकड़े टुकड़े मत रहो, एक हो जाओ और हमारी आलोचना करो। ये तो आलोचना का निमंत्रण है मोदी जी का। कितने महान है मोदी जी के विचार, कोई विपक्षी को आमंत्रण नहीं देता है कि तुम एक हो जाओ, संगठित हो जाओ, टुकड़े टुकड़े मत रहो, एक टीम बना लो, एक पार्टी बना लो, एक ग्रुप बना लो, एक मंच ले लो और हम पर हमला करो। ये तो मोदी जैसा महान आदमी कह सकता है, इसलिए मोदी जी ने कह दिया होगा इनको। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो अब हम राष्ट्रीय राजनीति के साथ में एक चर्चा आपसे जो जानना चाहेंगे वो ये है कि जैसा आपने अभी राज्यों के चुनाव की बात छेड़ी भी है, तो उसी में मैं एक बात आगे बढ़ा के आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि आज चूंकि 5 राज्यों के चुनाव का आगाज हो गया है और उत्तर प्रदेश की यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 58 सीटों के लिए मतदान हुआ है, और जो अपडेट है वो ये है कि अब तक की जो पोलिंग का आंकड़ा आया है वो 57% का मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है, लेकिन रात तक इसके 60% होने के अनुमान लगाए जा रहे हैं, क्योंकि कई जगह से पोलिंग की जो टोलियां हैं उनसे संपर्क नहीं हुआ है, कई जगह ईवीएम की मशीनें खराब रही हैं, तो उसको लेकर भी अभी कुछ जोड़ लगाए जा रहे हैं। ये लगभग 60% का आंकड़ा जाएगा, तो क्या लगता है आपको इस वोटिंग से किस तरह का मैसेज है और ओवरऑल क्या सीन बनता हुआ नजर आता है? देखिए 40% तो हार्डकोर वोट है भारतीय जनता पार्टी का, अभी से बचता ही क्या है, जिन जातों के बल पर अखिलेश यादव और मिलके रालोपा और ये मिलके घोषणा करना चाहते थे एलजेपी वगैरह मिलकर के, वो तो टूट गई। वो इसलिए टूट गई कि बहुमत ही नहीं आ रहा है, उत्तर मतदान ही नहीं हुआ है। और भी लोग पुरानी बातें भूले नहीं है, जिन अल्पसंख्यकों को गले लगाकर अकेले सोचता था कि जिला के मैं जाटों के मत छीन लूंगा, जाट पुरानी बात भूले नहीं है, वो घटना भूला नहीं है जब जाटों का किस प्रकार कई जाट जिंदे जला दिए गए थे। तो कुछ होना नहीं है, स्पष्ट है। 58 सीटों में से भी कम से कम 40 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। हाँ, पहली बार एक लाई थी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अजीत सिंह जी वाली, एक की जगह 5 ले आएगी 7 ले आएगी 10 ले आएगी। बसपा के वोट तो इधर की उधर हो ही गए, वो तो ज्यादातर भाजपा में चले ही गए। तो फिर आप बताइए अखिलेश को कौन से वोट मिलेंगे, बताइए ना आप मुझे, समाजवादी पार्टी की कितनी सीटें आएगी, कहां से आएगी, क्यों आएगी। और अगर पहले आगाज में ये हाल है तो उत्तर प्रदेश में तो 70% भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना तय है। और सबसे बड़ा दुख की बात, टुकड़ा टुकड़ा गैंग के तो 4 MLA भी नहीं आएंगे। अब मैं हमेशा कांग्रेस को टुकड़ा टुकड़ा गैंग ही कहा करूंगा, क्योंकि आदरणीय मोदी जी के आदेश का पालन करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। मैं चाहता हूँ कांग्रेस की ये परिभाषा जो मोदी जी ने दी है वो बदले, यहां तो कुछ है ही नहीं। आप बताइए पश्चिम उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का है, कांग्रेस का एक भी आदमी जीतने लाया क्या, खड़े होने लाया क्या? इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं इन चुनावों में निश्चित रूप से योगी की सरकार बनेगी, मोदी की सरकार बनेगी, भाजपा की सरकार बनेगी, हिंदुत्व की सरकार बनेगी। और जो लोग आपस में मिलजुल करके जातिवादी ध्रुवकरण करना चाहते हैं उनके गाल पर इतना बड़ा चाटा पड़ेगा कि उन्हें यही मालूम नहीं पड़ेगा कि भाई और पड़ा या दाई और पड़ा है, ऐसी दुर्गति होगी। इसलिए आप मान करके चलिए उत्तर प्रदेश चुनाव के बारे में मैंने बहुत पहले भी कहा था, आज भी कहता हूं और सदा कहता रहूंगा कि उत्तर प्रदेश इस देश का अंतरात्मा का प्रदेश है, इस देश की राष्ट्रीय भक्ति का प्रदेश है, इस देश के देवी देवताओं का प्रदेश है, गंगा जमुना का प्रदेश है। ये काशी विश्वनाथ बनारस, काशी विश्वनाथ काशी और अयोध्या का प्रदेश है, राम के जन्म का प्रदेश है, भगवान ऋषभ देव की जन्मभूमि अयोध्या का प्रदेश है,
इसलिए इस प्रदेश के अंदर कोई आदमी टुकड़ा टुकड़ा गैंग के साथ मिलकर या प्रचार करके समाजवादी हो और या तो कोई और पार्टी हो किसानों के नाम पर गुमराह करने का प्रयास करेगा वो मार खाएगा, वो डिफीट खाएगा और वो पिटेगा। यह आपने जो बात कही इसमें एक बात, कल हमारे साथ प्रोग्राम में वरिष्ठ पत्रकार और कॉलमनिस्ट अजय सेतिया जुड़े हुए थे और अजय जी ने एक बात कही मुझे, हमें हमारे प्रोग्राम में बताया उन्होंने, उस प्रोग्राम में हमारे साथ जगदीश जी भी थे, जगदीश जी भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं। तो अजय जी सेतिया का ये कहना था कि यदि आरएलडी वाले जो लोग हैं, ये जो जो चौधरी की पार्टी है, इसके लोग यदि भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके आते तो ये सीटें इनकी होती कम से कम 20, उनका अनुमान था। लेकिन अब अनुमान ये रह गया है कि 8 से 10 के बीच में वेरी कर रही है सीटें, 10-12 सीटें के लगभग अनुमान आ रहा है इनका। तो ये क्या लगता है आपको कि ऐसा कर सकते थे कि ये लोग आरएलडी वाले जो लोग हैं? अजय सेतिया राजस्थान में पत्रकारिता करते रहे, बुद्धिमान आदमी है, मेरे मित्र हैं, हमने बहुत अच्छा काम किया साथ में। वो जब बात कहता है तो बहुत सोच समझ के कहता है। अजय को भी जातिवादी राजनीति का पूरा अनुभव है क्योंकि राजस्थान में उन्होंने भी जाट राजपूत राजनीति को बरसों तक स्टडी किया है। मैं तो 40 साल से अजय को जानता हूं। जब आपके मेरे अजय सबके विचार मिल ही रहे हैं तो इसको कंट्रोवर्सियल सब्जेक्ट क्यों बनाया जाए? सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी की सरकार बन जाएगी और मुझे दुख तब होगा जब टुकड़ा टुकड़ा गैंग का खाता भी ना खुला तो क्या होगा। अरे कम से कम 10 सीट तो प्रियंका जी राणा, कम से कम सचिन पायलट के वक्तव्य कला और उसके चरित्र का तो लाभ उठाना। अगर आप एक भी सीट नहीं लाई तो आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, मगर सचिन पायलट जैसे एक जबरदस्त और लड़ाकू और तगड़े कार्यकर्ता का सम्मान खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपकी गैंग कुछ तो लाए, कुछ तो करे, इस प्रकार से अपमानित न हो कि कांग्रेस अपमानित हो जाए। इसलिए मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं, लंबे चौड़े भाषण की जरूरत नहीं है। अगर इस इलाके का ये हाल है तो बाकी उत्तर प्रदेश का क्या हाल होगा? जब उत्तर प्रदेश के इस इलाके में जिस पर बड़ा गर्व करते थे कि हम जाटों से मिलकर और सारी पार्टियां मिलकर भाजपा को पछाड़ दें, वहां भी ये दुर्गति हो रही है। 60% में से 40% वोट तो भाजपा के पक्के धरोहर के वोट है, फिर आपकी क्या हालत होगी जब अन्य जगह वोटिंग होगी? तो खड़े खड़े भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी, आप देखते रह जाएंगे और भाजपा सत्ता में आएगी। इससे ज्यादा कहना समाज की उचित नहीं है। नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने, और ये बात आपने सही कही है कि जो ये एरिया पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है, ये ही एरिया है जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए इस वक्त चैलेंजिंग था, क्योंकि किसान आंदोलन की छाया इससे पूरे के पूरे हल्के पे आई हुई थी, तो यहाँ एक चैलेंज जरूर था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, आपने चूंकि सचिन पायलट का नाम लिया है तो उनसे राजस्थान जरूर जुड़ जाता है। अब हम राजस्थान की तरफ आ जाते हैं और राजस्थान का कल जो बजट सत्र है वो शुरू हुआ है और विधानसभा में राज्यपाल ने अभिभाषण पढ़ा है। उसके अभिभाषण के दरमियान ये जो रीट का जो मसला है इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत हंगामेदार प्रदर्शन किया विधानसभा के अंदर, और सदन की जो पहली बैठक है, जो सत्र की शुरुआत है, वही हंगामे की उसमें रही भेंट में, और ये हंगामा अभी तो और आगे चलेगा। क्या मसला है, आप क्या देखते हैं, रीट मामला क्या किस तरह का करवट लेता हुआ नजर आता है और क्या इसका बेस, क्या मतलब पूरा का पूरा मसला क्या है? मसला साफ है कि पत्र लीक कर दिए गए, पैसे लेकर लोगों के इम्तिहान कैंसिल कर दिए गए। रीट का मामला शर्म की सीमा है, विद्यार्थियों के जीवन का अंत है। रीट के मामले की सजा कम से कम क्या होनी चाहिए, उम्र कैद से कम अपराधियों की सजा होनी नहीं चाहिए। अरे जिस पवित्र इम्तिहान की आड़ में विद्यार्थी अपना भविष्य बनाते हैं उसका सर्वनाश कर दिया गया। पहले एक अपराधी पकड़ा गया, राम कपराल पकड़ा गया, फिर जारोलिया को जाना पड़ा, अब सुभाष का नाम आ रहा है, डोटासा का नाम आ गया, बीच में एक ओएसडी है उनका भी नाम आया था। इसका मतलब क्या है कि रीढ़ के अपराध की जड़ें कहां तक है, इसको जानने के लिए इस घटना को जड़ से खोद कर पढ़ना पड़ेगा। अब जब डिमांड कर रही है भारतीय जनता पार्टी किसकी जहां सीबीआई करे, तो आप क्यों इनकार कर रहे हैं? अब सीबीआई क्यों करे, ये मैं बताता हूं।
क्योंकि जो लड़के पढ़ते थे वो केवल राजस्थान के इम्तिहान देने नहीं आए थे, कई प्रांतों के लड़के आए थे, कई प्रांतों में पेपर बने थे, कई प्रांतों के अध्यापक इन्वॉल्व थे। क्योंकि एक स्टेट का मामला नहीं था, ये राष्ट्रीय मामला बन चुका था, इसलिए एक स्टेट का पुलिस SOG अथवा कोई इंक्वायरी करे उचित नहीं है। इसकी जांच तो CBI से होनी ही चाहिए और CBI होगी। मुझे दुख इस बात का है कि जब सतीश पूनिया ने और उनके कार्यकर्ताओं ने CBI की मांग करने के लिए मुख्यमंत्री का घेराव किया तो पुलिस ने डंडे मारे और मुस्कुराते रहे अशोक जी, हंसते रहे अशोक जी। ये तो होता है, दम ताकत का होता है। पुलिस के हाथ से, पुलिस का तो काम ही आदेश का पालन करना है। और उसके बाद में सतीश पूनिया पर हमला किया गया, तब वसुंधरा जी ने प्रश्न उठाया कि मेरे बेटे पर जब हमला हुआ, पत्थर फेंके गए, तब भारतीय जनता पार्टी चुप क्यों रही? यस, दिस इज रॉन्ग। पर उस समय आपने भारतीय जनता पार्टी से स्वयं मांगा ही कहा था। आप कहती सतीश पूनिया को, सतीश पूनिया आप तुम्हारा भी एक कर्तव्य था। वसुंधरा का बेटा भी भारतीय जनता पार्टी का बेटा है, 4 बार का सांसद है, तो 100% उस समय भी अपना विरोध प्रदर्शित करना चाहिए था। पर मान लो उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से एक भूल हो भी गई तो ये वसुंधरा जी आपका कर्तव्य थोड़ी है कि उनकी इस डिमांड को आप कमजोर करो। फिर एक मजेदार बात हुई है जो बहुत ही मजेदार बात है। बड़े बड़े विधानसभा में अशोक गहलोत ने कहा कि मेरे हाथ की रेखा बहुत लंबी है, तो वसुंधरा जी ने मुस्कुराकर कहा मेरे हाथ की रेखा भी बहुत लंबी है। तो आज भाइयों मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूं, इन दोनों के रेखा की लंबाई के बराबर मेरे हाथ की रेखा की लंबाई है। ये एक तजनी से चालू होकर के अंत तक आती है, एंडी नहीं है, बीच तक क्रॉस ही नहीं है। अरे रेखा के लंबा होने से अगर कुछ होता तो बात ही कुछ और होती। रेखा तो रेखांकित भविष्य का एक पार्ट मात्र है, इसलिए इस बात का कोई अर्थ नहीं है। मगर उस समय गंभीर मसले को हंसी मजाक में टाल देना यह स्पष्ट करता है कि वसुंधरा जी ने एक अच्छे भाजपा नेता होने का प्रमाण नहीं दिया। मैं उम्मीद करता था कि भाजपा सती से ज्यादा कड़ाई से CBI की मांग करती, क्योंकि मामला ऐसा है। और मैं कहता हूं आज भी तो कल CBI मांग तो होगी, सरकार नहीं करेगी तो न्यायालय करेंगे, न्यायालय नहीं करेगा उच्चतम न्यायालय करेगा, क्योंकि इस बात में लाखों लोगों का भविष्य जुड़ा हुआ है। मैं तो चाहता हूं अशोक गहलोत को आगे होकर कहना चाहिए, यस आई माइस्टर रिकॉल इस मामले की CBI जांच करो। दूसरा जब एक मंत्री का नाम आता है फिर दूसरे मंत्री का नाम आता है तो आप ये क्यों नहीं मानते कि मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी सामूहिक जिम्मेदारी है? जब किसी सरकार का एक मंत्री अपराधी होता है पूरी सरकार संदेह के घेरे में आती है, या तो दो दो सरकार दो दो मंत्री घेरे में आ गए, बड़े बड़े अधिकारी आ गए, CM के OSD आ गए, क्या मतलब है? वाई शुड यू रिफ्यूज इट? अशोक जी आप कहिए यस CBI इंक्वायरी होनी चाहिए, अपने आप को दूध का धुरा साबित करिए। दूध का धुरा होने के लिए दूध के अंदर डूबना भी पड़ता है, थोड़ा खतरा भी उठाना पड़ता है, थोड़ी रिस्क भी होती है, मगर आप ऐसा नहीं करते तो लोग तो सब समझते हैं, सब दुनिया जानती है। करोड़ों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार लीड के मामले हुआ है, ये रुपए कहाँ गए, किसने गए, इसकी तो जानकारी है नहीं किसी को, होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो काम करने वाले वो कारीगर लोग होते हैं, बड़ा सावधानी से करते हैं। सुभाष जी मैं तो चाहता हूँ कि इस इंक्वायरी हो। और वसुंधरा जी मैं आपसे कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के हर संघर्ष का नेतृत्व आप करिए। कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी में सर्वोच्च स्तर पर आपसे नाराज हो सकते हैं, पर भाजपा कार्यकर्ता तो आपसे नाराज नहीं है, भाजपा संगठन आपसे नाराज नहीं है। अब जहां तक RSS का सवाल है, ये तो उस समय भी नाराज था जब आपने मुझे मंत्री पद का दर्जा दिया था, मगर आप रुकी गया, आपने मान लिया किसी की बात। उस समय प्रकाश गुप्ता भी मेरे विरोध में था, अरे उस समय तो आधी कैबिनेट मेरे विरोध में थी, पर वसुंधरा जी आपकी हिम्मत और साहस की दाद भी, आपने मेरा साथ और हाथ नहीं छोड़ा। मैं था तो अब आप सतीश पूनिया का साथ और हाथ पकड़ो, अब राजपाल MPs का तो मैं उठी है बात। मुझे पक्का विश्वास है कुछ MP जिनमें मैं दिया कुमारी का नाम प्राप्त इच्छा से लेता हूं, वो इस बात की प्रधानमंत्री तक पहुंचाएंगे, इस बात को कहेंगे। आज तक भारतीय जनता पार्टी में पिछले 20 साल से, अब ये रेखा की बात करते हैं कि रेखा लंबी रेखा लंबी, अरे रेखा लंबी है तो 2 बार सत्ता से क्यों उतरे? और आप भी मैडम रेखा लंबी है तो 2 बार सत्ता से क्यों उतरी? हम तो साहब हमारी रेखा बहुत लंबी है, हम ना सत्ता में आए न उतरे, इसलिए मैं जानता हूं अगर रेखा ही सब कुछ है, और रेखा से ज्यादा आदमी के चेहरे का रेखांकित होना जरूरी है। सुभाष जी आपकी भी रेखा क्या पता कैसी है, पर आपके चेहरे से लगता है कि आप अच्छे सवाल पूछते हैं कि माहिर हो, मैं इस बात की बधाई देता हूँ। अब जैसा भी है ये राजस्थान का दुर्भाग्य है, इसकी इंक्वायरी नहीं हो रही है, सतीश पूनिया के पीछे कंधे से कंधा मिलाकर
पूरी बात पर खड़ा होना चाहिए, स्वयं मोदी जी को इसका प्रसंज्ञान लेना चाहिए और कहना चाहिए कि इस घटना के पीछे कई प्रांतों के लोग इन्वॉल्व हैं, कई पत्रकार इन्वॉल्व हैं, बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। इसकी जांच तो एक स्टेट की पुलिस सरस्वती कर ही नहीं सकती, इसकी जांच तो सीबीआई को ही करनी चाहिए। गुड पॉइंट, एंड बहुत ही अच्छे से आपने बताया व्यूअर्स को। एक बात जो राजस्थान से जुड़ी हुई है और डेवलपमेंट कल ही हुआ है, ये राजनीतिक नियुक्तियों का जो मसला है, ये विधानसभा के चालू सत्र में किस तरह से किया गया है, क्या इसके राजनीतिक मायने हैं, क्या मैसेज सीएम अशोक गहलोत देना चाहते हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, ऐसा है कि ये प्रियंका जी ने सूची बनाकर बहुत पहले भेज दी थी। गहलोत जी ने बहुत कोशिश की कि ये सूची आउट ना हो, मगर सचिन ने आपके टीवी चैनल पर पूरे प्रदेश के पत्रों का हो करो करो करो, ऊपर से दबाव आया तो करना पड़ा। अब यह तो बात अलग है कि मुख्यमंत्री चाहेगा जिसको जगह देगा, फिर भी इसके अंदर कुछ नाम बड़े अजीबोगरीब आए जिसकी उम्मीद नहीं थी। जसोर के जसवंत के लड़के मानवेंद्र सिंह का नाम आना, बीकानेर से रामेश्वर डूडी का नाम आना, महेश शर्मा का नाम आना, इन सब बातों को देख करके लगता संतुलन का प्रयास दिल्ली में हुआ और उसको स्वीकार कर लिया अशोक गहलोत ने। नहीं करते तो चारा भी नहीं था। जब अबालू पड़ जाता है कि पानी नाक से ऊपर बहने वाला है, तब आदमी या तो डूबने की कोशिश करता है, तैरने की कोशिश करता है। इसलिए ये जो नियुक्ति हुई है इसका अर्थ नहीं है। पद तो अभी दिया नहीं गया है, नौकरियां नहीं दी गई है। इन नौकरियों में 40 आदमियों को अभी लगाया गया है, 58 के बाद सूची आ जाती है डिप्टियों को मिला करके, हो सकता है और बढ़ जाए। तो इसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि ये तो तब अर्थहीन होगी, अर्थफुल होगी जब ये कंफर्म हो जाएगा कि आगे आने वाले 2 वर्ष तक कांग्रेस का विरोध भारतीय जनता पार्टी कटघरे में खड़ा करके नहीं करेगी। क्योंकि ये विरोध हुआ तो और भी कुछ होगा, बहुत कुछ होगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की है, समझे आप। इसलिए मैं ये मानता हूं कि जो हुआ अच्छा हुआ, जिन लोगों को जगह मिली मैं उन्हें बधाई देता हूं, जिन लोगों को निराशा मिली उनके प्रति मैं क्षमा कहता हूं, भी उनके प्रति तो मैं क्या कर सकता हूं, संवेदना ही पकड़ कर सकता हूं। क्षमा और संवेदना का ये सम्मेलन है जो इस नियुक्तियों में कहा जा सकता है, इसके अलावा नियुक्तियों का कोई मूल्य मैं नहीं मानता। गुड पॉइंट, एंड एक और चीज अब हम आपसे जानेंगे कि ये जो राजनीतिक नियुक्ति में आपने भी जिस तरह से बताया कि वो जो समझौता वार्ता थी प्रियंका गांधी के उसमें और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उसमें शामिल भी थे, और ये जो यहाँ पर विरोध चल रहा था इसका एक तरह से समझौता करके एक सामंजस्य बैठाया गया है, तो क्या लगता है आपको ये सचिन पायलट वाला जो गुट है ये इन नियुक्तियों से टुकड़े गैंग मिल गई? भाई टुकड़े टुकड़े गैंग तो मिल ही गई ना, दोनों टुकड़ों को राजी कर लिया गया। मगर आप मुझे ये बताइए इससे लाभ क्या हुआ? जो बेचारे इतने दिनों से परेशान थे, 3.5 साल तो उनके यूं बर्बाद हो गए, 1 साल आगे चुनाव में बर्बाद हो जाएगा। साल भर 10 महीने के लिए बन गए तो बन गए हैं, घूमते फिरेंगे अफसरों पर रोक जनवाने के अलावा इनका काम क्या होगा? और वैसे भी इस सरकार ने ट्रांसफरों की राजनीति के अलावा कोई राजनीति की नहीं। जितने तमाते इस सरकार ने किए हैं फुटबॉल की तरह IAS और IAS अफसरों की 2-2, 3-3 डजन के अंदर ट्रांसफर किए गए, यही काम है क्या? क्या ये सरकार का काम और काम नहीं है क्या? बताइए ना, कौन सा विकास किया? किया दो विकास, एक तो यह किया कि अशोक जी ने अपने हाथ से कॉन्स्टिट्यूशन वाली बिल्डिंग का उद्घाटन कर दिया और अपने बेटे के हाथों से सबसे बड़े बनने वाले क्रिकेट के स्टेडियम का लोकार्पण करने की बात की, दो काम किए। दोनों में प्रांत से ज्यादा नाम और नाम की प्रतिष्ठा और खुद के ठप्पा लगने का ज्यादा है, इसलिए मैं इसको भी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं मानता, फिर भी 2 कामों के लिए। और तीसरा कोरोना से संघर्ष के लिए मैं अशोक गहलोत को बधाई देता हूं, क्योंकि मैं तो झूठ बोलता ही नहीं, सच्ची बात को सच्ची कहूंगा। बाकी इसके अलावा मुझे मालूम नहीं पड़ता है, मैं टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप दो खरीद रहा हूं, मैं माइक्रोस्कोप में ढूंढूंगा कौन सा डेवलपमेंट हुआ है और टेलीस्कोप में ढूंढूंगा कौन सा नेता काबिल साबित हुआ है, दोनों खरीद रहा हूं। और सुभाष जी, इसका बिल आपको पेमेंट करना पड़ेगा। वेरी गुड पॉइंट, एंड आपने बहुत अच्छी बात कही है, राजस्थान सरकार का कोरोना मैनेजमेंट जो था वो वाकई काबिले तारीफ था निश्चित रूप से, और चिकित्सा विभाग जो राजस्थान सरकार का रहा है और जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जो विभाग रहा है राजस्थान का, जिसमें कि ये गरीबों को मुफ्त राशन की जो व्यवस्था है, इसमें बहुत ही फेबुलस, बहुत ही जबरदस्त काम राजस्थान में किया। कोरोना में अगर मैं श्रेय देता हूँ ना जी, तो मैं डॉक्टर सुधीर भंडारी को भी श्रेय देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, जिस ढंग से डॉक्टर सुधीर भंडारी ने कोरोना के संघर्ष में राजस्थान की जनता का 24 घंटे साथ दिया, जब अशोक जी को कोरोना के फैसले घर में बंद होना पड़ता था तब सुधीर घर घर घूमता था, दोनों नए नए अस्पताल बना दिए। तो मैं बधाई जब देता हूं तो केवल मुख्यमंत्री को नहीं देता,
मैं इसको स्टाफ को देता हूँ, yes, बिल्कुल वो... के मंत्री द्रव शर्मा को देता हूँ, डॉक्टर सुधीर भंडारी को देता हूँ, बिल्कुल नहीं इसमें जो आईएएस लगे हुए हैं वो उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में मेरे ख्याल से नवीन जैन लगे हुए हैं और नवीन जैन ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाई है, राजस्थान भर में उनकी बहुत प्रशंसा इस मामले में आई है कि बहुत आई कॉम्प्लीमेंट नवीन जैन फॉर सच गुड एटीट्यूड, इस कार्य के लिए बधाई देता हूं मैं, बिल्कुल ये रिपोर्ट तो गई है। रीड के लिए जिम्मेदार किस अधिकारी को पूछूं बताऊं, जब ज्यादा अच्छे काम की तरफ देखो तो रीड नजर आता है मेरे को, रीड नजर आते डोडासा की शक्ल नजर आती है, मुख्यमंत्री द्वारा खुद अपने मंत्री से पूछना कि क्या तबादले में पैसे लिए जाते हैं वो प्रश्न मुझे नजर आता है, फिर मेरे को सुभाष गर्ग नजर आता है, उनके परम मित्र झारूलिया नजर आते हैं। इसलिए जब बहुत ज्यादा गलत काम हो और एक आध अच्छा काम हो तो अच्छा काम गलत कामों के ढेर के नीचे छुप के गायब हो जाता है, इसलिए उसका लाभ नहीं मिल पाता। ये बात सही कही आपने, 8 लाख लोग लगभग इसमें अभ्यर्थी, 7,73,000 अभ्यर्थी जो है रीट के प्रभावित हैं, कितने परिवार इसमें चपेट में आए हैं ये देखने बहुत दर्दनाक है, बहुत दुखदाई है। तो चलिए अब ऐसी कोई बात जो हम आपसे नहीं पूछ पाए हो वो आप कह लीजिए, फिर हम कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। देखिए आपको कार्यक्रम समाप्त करने की इच्छा तो आपकी काम आएगी, पर एक बात मैं जरूर कहूंगा कि किसी पर आरोप लगे और लगते ही रहे और उसकी जांच जहां से कहे वहां से न हो तो क्या उन आरोपों को सत्य मान करके समाहित कर दिया जाए या दया पात्र मान करके उन्हें छोड़ दिया जाए, इसका फैसला मैं चाहता हूं आप करो सुभाष जी, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अपराधों पर आरोप लगाया तो आरोप की जांच होनी चाहिए, जांच नहीं है तो मान लेते सच्चे आरोप, सजा नहीं देंगे हम, क्या सजा देना हमारा काम नहीं है, सजा देना तो चुनाव में आने वाले मतदाताओं का काम है। और मैं आपको दावे से आज घोषणा कर रहा हूं कि अगले चुनाव में वर्तमान नेतृत्व में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा तो 27 से 35 से 36 सीट नहीं आएगी और उसमें रीट का भी बहुत बड़ा इसके अंदर कारण होगा। रीट की घटना को लोग भूलेंगे नहीं, बच्चे और उनके अभिभावक भूलेंगे नहीं, इसकी सजा तो मिलेगी और मिल के ही रहेगी। गुड पॉइंट। तो आपने सुना विभिन्न आयामों पर विभिन्न मुद्दों पर हमने आज बातचीत की और हमारे साथ इस बातचीत में जुड़े हुए थे राजनीति के चाणक्य चंद्रराज जी सिंह भी साहब, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये गैंग को आपने प्रचारित कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद जी। क्या कह रहे हैं? टुकड़ा टुकड़ा गैंग को आपने राष्ट्रव्यापी प्रचारित कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब वो मोदी जी को श्रेय जाता है, प्रधानमंत्री ने कुछ भी कह सकते हैं, प्रधानमंत्री ने संसद के पटल पर कहा है, ऑन रिकॉर्ड है, तो उसको हमने आज लिया इशू को। तो आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये था हमारा कार्यक्रम सियासी चाल बुचाल, जो कि हम हर सप्ताह आपके समक्ष लेकर आते हैं, और इस कार्यक्रम में हम राजनीति के उन अनछुए पहलुओं को टच करने का प्रयास करते हैं जो खबरों में अक्सर नहीं आ पाते हैं। आपने हमें ज्वाइन किया इसके लिए आपका आभार, धन्यवाद। आई विश यू गुड लक, सक्सेस एंड हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच।